हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वरे मतलब का? खैरियत से हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस तक, कयामत तक खैरियत से रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं यूपी इलाहाबाद से। यूपी से। जी जी सर, ये पूछना था कि ये खलफे इमाम जो है, तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर, मैं जे एंड के जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मोहम्मद उमर जी। उमर भाई, ये फातिया खल्फुल इमाम पे जो हमारा मौकफ है वो ये है कि भाई, कोई भी इबादत हो जिसको फारसी में नमाज, अरबी में सलाह, सलात इस टाइप से बोलते हैं, तो उसमें उसमें हमें सूरह फातिया पढ़नी पढ़ना है, और सूरह फातिया पढ़ना फर्ज है, वाजिब है। अगर कोई सूरह फातिहा भाई वो नहीं पढ़ता है नमाज में, तो उसकी नमाज ही नहीं होती, चाहे वो अकेले हो, चाहे इमाम के पीछे हो, चाहे ईद की हो, बकरीद की हो, जनाजे की हो, 5 टाइम की हो, सुन्नत हो, नफिल हो, जुमा हो, तहज्जुद हो, कोई भी नमाज हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, अगर वो फातिहा सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता है नमाज में, तो उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। ये अल्लाह के नबी ने 3 बार फरमाया। अच्छा, तो हजरत साहब ने हदीस तो पेश भी किया, अलबत्त इतना ही कहा कि बस हमारी नमाज क्या पढ़ते हैं मर्द हो, तो हदीस बयान नहीं, कर दिया आपने आपने। मेरा भाई वो पूछा था ना मौकफ, अब आप उसके ऊपर भाई वो दलील अगर मांग रहे हैं, तो मेरे भाई ये बुखारी शरीफ की भाई ये हदीस है, ठीक है, किताबुल अजान की हदीस नंबर 756, उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। और जामे तिर्मिजी की भाई ये हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी एक बार सुबह की नमाज पढ़ा रहे होते हैं, तो अल्लाह के नबी के ऊपर जो मतलब भाई अच्छा, पढ़ना होता है कुरान, वो भारी हो जाता है, तो अल्लाह के नबी जब भाई वो नमाज से फारिग होते हैं, तो सहाबा से पूछते हैं, क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? तो सहाबा कहते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, जो जो आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे पीछे कुछ मत पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। पहली वाली हदीस जो बयान की है, पहले उसकी तो बात होने दीजिए ना। मैंने कहा जो आपने पहली हदीस बयान की है ना, पहले उसकी बात होने दीजिए। सबसे पहले आपने हदीस कहा कि बुखारी शरीफ के अंदर है, ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहा तुलकीरा। ठीक है, ये हदीस उसकी है ना? नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। ठीक है, तो अब मुझे बोले कि यहाँ तो इतना ही कहा गया है कि जो शख्स सूरह फातिहा ना पढ़े नहीं होती। तो दूसरी बात है कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि फरमाते हैं कि जो यहाँ से नमाज जो मुराद है वो मुनफरिद और इमाम मुराद है। हाँ, फिर आप भाग गए। अभी आपने कहा क्या कि एक हदीस पे बात होगी ना? इसी हदीस से तो बात करो। मैं हाँ, कह तो रहा हूँ बुखारी की हदीस पे बात कीजिए ना। अब मेरा इसके ऊपर आपसे भाई ये क्वेश्चन है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उसकी नमाज नहीं, तो भाई किसकी नमाज नहीं? आप पहले इसका जवाब दीजिए। ये तो करें इमाम अहमद बिन हम्बल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के नहीं, अंदर उस जो पे बात बाद में आएंगे मेरे भाई, ये सब भाई जो जो सब ये सब जो हदीसें हैं मेरे भाई जईफ हैं, ठीक है, इस पे बाद में आएंगे, कैसे जईफ हैं ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। पहले जो मेरे भाई जो हमने हदीस पेश की है, और आप ही का उसूल ये है कि पहले जो पेश किया पहले उस पे बात होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी नमाज नहीं, तो किसकी नमाज नहीं? इसी तो बात कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि अरे मैं मुनफरिद आपसे भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपको हदीस पेश की है बुखारी शरीफ की, किताबुल अजान की हदीस नंबर 756, इसके ऊपर मेरा आपसे सवाल है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी नमाज नहीं, तो किसकी नमाज नहीं? आप बताइए पहले। आप कह रहे हैं किसकी नमाज नहीं? अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है, तो अगर इमाम सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है या अकेला मुनफरिद नमाज पढ़ रहा है, अगर वो सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज मुख्तरिस में शामिल ही नहीं है। जबकि भाई आपको इमाम उसूल पता है? वाला जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अरे अंदर अल्लाह के है। बंदे, जो आप कॉपी पेस्ट वाली हदीस पढ़ रहे हो वो आज से 2 साल पहले आ चुकी है मेरे पास। अच्छा, आप ये बोलो, आप एक ही आप ये बोलो, बताइए, आप एक ही आप ये बोलो। बताइए, ठीक है, हाँ उसूल आपको मालूम है?
उमूम होता है, खुसूस होता है, आम होता है, खास होता है, ठीक, ये चीज आपको पता है? हाँ मालूम है, आप बोलिए जरा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसकी नमाज नहीं, तो किसकी नमाज नहीं, तो ये तो अल्लाह के नबी ने बताया नहीं, यानी कि सबकी नमाज नहीं, ये आम बात हो गई। तो उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, तो उसमें तमाम लोग शामिल हो गए, मर्द, औरत, इमाम, इमाम के पीछे वाले, मुक्तदी, सब शामिल हो गए। ठीक है, अगर आपने कहा इमाम, ये यहाँ पर आम है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आम है, अगर खास है तो आप बताइए ना कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि हाँ उसकी नमाज नहीं और इनकी इनकी नमाज हो जाती है, इनकी इनकी नहीं होती है, इमाम की हो जाती है, इमाम के पीछे वालों की नहीं होती है, तो आप बताइए ना, आम कोई आम चीज है तो उसको आप खास कीजिए। हिम्मत नहीं होती भाई, आवाज साफ नहीं आ रही है, आपने रास्ते में क्या अरे आवाज साफ नहीं आ रही मेरे भाई, वो घर घर की आवाज आ रही है क्या, मतलब आप पंखे के सामने हैं, कूलर के सामने हैं, या कहीं रास्ते में हैं, बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं? नहीं नहीं नहीं, हवा चल रही है। अब जी बताइए। हाँ अब आ रही है। जो आम है ये तो उसूल है, और आप जाहिर सी बात, आप तो उसूल के कायल नहीं है मेरे भाई, अहले हदीस तो मेरे भाई उसूल का पाबंद होता है। आप मुझे ये बोले, आपने कहा यहाँ आम है, आप मुझे बोले आम और खास उसूल कितने निकाल रहे हैं भाई? इस हदीस के जो अल्फाज हैं भाई, वो दलालत करते हैं कि जो ये हदीस है ये आम है, और आम से आप मेरे भाई खास को आप नहीं चुन सकते हैं, आप पहले उसूल जाके सीखिए। अरे हजरत, आपको उसूल पता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपकी हनफी मसलक की मेरे भाई जो किताब हिदाया, उसमें आया है कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है उसके मुंह में आग के अंगारे रखें, तो ऐसा कौन सा हनफी देवबंदी बरेलवी पैदा हो गया है जो अहले सुन्नत अहले हदीस के मुंह में आग के अंगारे रखेगा? एक को सामने लेके आइए। लो अल्लाह के बंदे, आपके मसलक की बात बता रहे हैं, आपका उसूल है ना, आपके लिए हुज्जत क्या है? इमाम का कॉल, तो मैं आपको आपके इमाम का कॉल बता रहा हूँ, पहले हदीस हमें ना, हमारे लिए उसूल है भाई कुरान और अल्लाह के नबी का फरमान, तो हम उससे बात करेंगे, आप हनफी मुकल्लिद, आपके लिए इमाम का कॉल हुज्जत है, का कॉल भी हुज्जत है, ताबेईन का भी है, कुरान करीम की आयत भी है। अभी मैंने कुरान करीम की आयत नहीं आपको सुनाई, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो मैंने सुनाई आयत सुनाइए पहले कुरान की, आप रसूल अल्लाह ने की है, इसका जवाब दो। नहीं नहीं, कुरान की आयत आप सुनाइए। कुरान की रवायत है, वह इजा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितु लअल्लकुम तुरहमून, जब आपके सामने कुरान पढ़ा जाए तो आप खामोश रह के सुनो ताकि तुम रहम। चलिए ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इस आयत पे आज देखते हैं कि जो हमारे प्यारे जो मेरे भाई हनफी मुकल्लिद भाई हैं उनका अमल है कि नहीं। ठीक, अल्लाह सुबहान व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 204 में कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस आयत से हमको पता चल रहा है कि सुनना है और सुन के खामोश होना है। तो मेरे भाई आप लोग जब अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो जोहर की असर की, तो भाई इमाम साहब तो आपके कुछ भाई पढ़ते नहीं है, और जब पढ़ते नहीं है आवाज आपके कान पे आती नहीं है, तो आप मेरे भाई सुनते नहीं हो, तो जब सुनते नहीं हो तो फर्जी का खामोश रहते हो? देखिए, इसका जवाब दीजिए। इसी का जवाब दे रहा हूँ, यहाँ आपने कुरान करीम की आयत को पूरा नहीं समझा है। अगर हमने समझ लिया मेरे भाई, अब इतने बुरे दिन नहीं आए कि हनफियों से मेरे भाई हम अल्लाह का कलाम समझेंगे। अच्छा, तो तुम आपने आयत पेश की है, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो पहली बात आ रही है सुनना, उसके बाद खामोश होना ना। जोहर की नमाज में, असर की नमाज में इमाम साहब तो मेरे भाई आपके एकदम खामोश रहते हैं, तो पीछे आवाज ही नहीं आती, तो जब पीछे आवाज नहीं आती तो भी आप लोग मेरे भाई रोबोट बन के क्यों चुप रहते हैं? इसका जवाब दीजिए। इसी के जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश तो रहेंगे फिर जवाब दूंगा। जब आप खामोश रहते हैं वहाँ से मिसाल तो बोलते रहते हैं। सुनिए, जब वहीदा सूरी अल कुरान फस्तमिउ लहू वानसितु लअल्लकुम तुरहमून, ठीक है, जब आपके सामने कुरान पढ़ा जाए तो आप खामोश रह के सुनो, आप गौर से सुनो और खामोश रह के खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो यहाँ लफ्ज दो आए, एक है खामोश रह के सुनना, खामोश होना, और एक है कुरान करीम को सुनना। जबकि असर और जोहर की नमाज हम पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदे, कुरान की तफसीर अपनी अकल से आप ना कीजिए, जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर दीजिए। अरे मैं कुरान करीम की, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो, तो अल्लाह ताला कह रहा है पहले सुनो उसके बाद खामोश रहो। तो जोहर की नमाज में, असर की नमाज में आपके इमाम साहब तो जो नमाज पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं एकदम चुपचाप पढ़ाते हैं,
सिर्री में पढ़ाते हैं, मेरी बात सुनिए, तो जब वो सिर्री में पढ़ाते हैं आप कुछ सुनते नहीं है तो जबरदस्ती क्यों भाई आप खामोश रहते हैं? यहाँ दो बातें आई हैं, सुनो और खामोश रहो, खामोशी से सुनो और खामोश रहो, ठीक है। जबकि जोहर और असर की जो नमाज होती है उसमें तो खामोश रहते हैं, पुराने करीम क्या कहते हैं, वो कहते हैं खामोश रहो और सुनो। जब जब जहरन नमाज पढ़ी जाती है उसके अंदर खामोश सुनना पड़ता है और खामोश रहना पड़ता है, क्योंकि वो जहरन नमाज है। और जब सिर्रन नमाज है उसके अंदर खाली खामोश रहना पड़ता है, सुनना नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ सुनाई नहीं देता है। भाई ये बताइए खामोशी का मानना क्या है? खामोशी का क्या माना आपके नजदीक, खामोशी का माना क्या है? खामोश रहना, यानी सूर्य फातिहा ना पढ़ना अपनी। नहीं नहीं सूर्य फातिहा तो भाई वो तो अभी बात ही नहीं आ रही है, अभी बात आ रही है खामोशी का माना क्या, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि भाई एकदम खामोश हो जाओ तो उस खामोशी का माना आप क्या लोगे? खामोश बिल्कुल कोई कलाम ना करना, कोई कुरान करीम चाहे कुछ नहीं करना। ठीक ठीक चलिए माशाल्लाह। अब मेरे भाई एक छोटे से सवाल का भाई अगर आप आंसर दे देंगे तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की भाई मैं कसम खा के कहता हूँ 100 लोगों को साथ में लेके मैं हनफी मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा खामोशी का माना होता है कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं कलाम करना और ना ही मेरे भाई कुरान को पढ़ना, ठीक। आपके हनफी इमाम ठीक जब वो तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर, उसके बाद भाई वो सीधे सूर्य फातिहा से स्टार्ट करते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप अल्लाह अकबर कहने के बाद जो खामोश होते हैं तो क्या कुछ पढ़ते हैं, तो कहते हैं हाँ हम पढ़ते हैं, हम सना पढ़ते हैं, औजुबिल्ला पढ़ते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर सूर्य फातिहा से स्टार्ट करते हैं। यानी कि इससे साबित हो गया कि खामोशी में भी पढ़ा जाता है। और आप कह रहे हो खामोशी में बिल्कुल बात नहीं करना, कलाम नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, खामोशी का मतलब बिल्कुल एकदम चुप। तो मेरे भाई आप पहले खुद तो अमल करो इस आयत पे अल्लाह के बंदे, और आप लोग जब मेरे भाई सुबह की नमाज होती है, फजर की नमाज होती है, इमाम साहब आपके मेरे भाई अपनी नमाज पढ़ा रहे होते हैं 2 रकात फर्ज, और पीछे से आप लोग आके जो मेरे भाई अपनी नमाज पढ़ने लगते हो सुन्नत, तो वो कहाँ से साबित है? उस समय याली आयत आप कहाँ भूल जाते हो कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो? इमाम साहब अपनी कुरान पढ़ रहे हैं, आप अपनी सुन्नतें पढ़ लो। और ये बताइए इमाम साहब मेरे भाई मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, आपको आने में देर हो गई, तो मस्जिद में जब आप दाखिल होंगे तो भाई वो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे कि नहीं, अल्लाहुम्मा मफ्ताली अबू अब रहमती का, ये आप पढ़ोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप ही का उसूल है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। तो आप पहले खुद तो अमल करो मेरे प्यारे भाई। ये जो आपके मेरे भाई ये झोला छाप आलिमों ने आपको ये अंगूठा चूसने वाली जो ये अंधी तकलीद है ना, ये आपको मेरे भैया आपके हाथों में दे दिए, ये भाई तकलीद आपके लिए तकलीफ बन गई है। तो बात यहाँ की सुनेगा या खाली वहाँ की वहाँ से भड़बड़ा करेगा? यहाँ की भाई आप एक काम कीजिए, अगर आपने तीन मसले पेश कर, अगर आपने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बावजूद अगर आप मेरे भाई जान बूझ के अपने मसलक परस्ती में आके एकदम रोबोट बन के खड़े हो जाते हैं और सूरह फातिहा को पढ़ने से इनकार करते हैं, तो आप मेरे भाई अपना जवाब अल्लाह को देंगे, आपकी अपनी तहकीक है, आप जानो आपका काम जाने। अच्छा आप मुझे ये बोलें कि जो कुरान करीम की आयत मैंने आपको पेश किया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये जो आयत है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अल्लाह सुबहान व तआला भाई वो कुरान में फरमाता है कि लाला तो ठीक है, अब सुनिएगा एकदम गौर से, अगर किसी आयत को आदमी बीच में से उठा लेगा तो उसका मान ही अलग हो जाएगा। जैसे अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में भाई ये साफ साफ कहता है कि लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे। अब कोई इतनी आयत पढ़ ले और कहे कि हम तो नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे। लेकिन भाई पूरी आयत में क्या है कि लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे, जो कभी नमाज पढ़ते हैं कभी नमाज छोड़ते हैं, तो क्या साबित हुआ? पूरा माना ही बदल गया। इसी तरीके से जो आपने ये आधी आयत पेश की है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो एकदम गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ये सूरह आराफ की आयत भाई जो ये 204 है, इसके फौरन बाद जो आती है सूरह आराफ की आयत नंबर 205, उसमें अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है और अपने रब को अपने दिल में सुबह व शाम उसको याद करो,
आप बताइए। और ये हनफियों का उसूल है कि जब दो आयतों में भाई वो मारे वाके होगा तो हमको हदीस की भाई वो और हमको जाना पड़ेगा, यानी कि जब दो आयतों में आपस में कोई बात इंसान को समझ में नहीं आएगी कि एक आयत अलग कह रही है कि भाई कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और दूसरी आयत कह रही है कि और अपने रब को अपने दिल में एकदम एकदम हल्की आवाज से सुबह और शाम को भाई वो याद करो, तो इन दोनों आयतों में भाई वो मारे वाके हो रहा है, तो अब हमको जाना पड़ेगा हदीस की तरफ। तो आप पहले उसूल सीखिए मेरे प्यारे भाई। मेरी बात नहीं, आप सुनिए। जब के हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं कि हम नहीं मेरे भाई देखिए, इधर इधर आप ना भागिए, नहीं अगर आप मेरे भाई दूसरी हदीस पे जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी मेरे भाई 500 हदीस हैं। अभी बात हो रही थी कुरान की आयत पे और अल्लाह के नबी की जो हदीस है बुखारी शरीफ में, इन दोनों पे बात करना है तो कीजिए, वरना मेरे भाई अगर आप दाएं बाएं भागेंगे तो फिर हम भी अबू दाऊद की हदीस पे जाएंगे, तिर्मिजी की हदीस पे जाएंगे। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम के लिए बनाया जाता है कि उसकी इत्तिबा की जाए, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर को, जब वो किरात करे तुम खामोश रहो, ठीक है ये। अरे तो अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से कह दिया कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, तो इसका माना ये है कि कुरान में 114 सूरते हैं, 113 सूरते हमको भाई वो नहीं पढ़नी है लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना है। आप जाके पहले अच्छे से भाई इल्म हासिल कीजिए, उसके बाद फोन कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा।